पेशाब में जलन होना या पेशाब के साथ खून आना, ये इशारा है कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया की या कोई जख्म है, गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो गई है, छाले हो गए हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी कोई डाइट में गलती हो रही है। अगर आप डॉक्टरी जांच करा लेते हैं, डॉक्टर कहता है कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अंदर गांठ नहीं है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्लीडिंग है, वो थोड़े बहुत जो इन्फेक्शन हुई है मैं उसको ठीक कर देता हूँ, तो बेशक डॉक्टर के कहने पे आप पूरा इलाज करें, मैं उसके समर्थन में हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियां जो आप करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्या करना चाहिए वो बताऊंगा कि जल्दी आराम मिले, और अंत में मैं आयुर्वेद का एक ऐसा उपयोग भी प्रयोग भी बताऊंगा जो मैंने अपने कई पेशेंट्स पे आजमाया कई सालों से, मेरी सहित मेरे जो चिकित्सक भाई बहन मेरे साथ काम करते हैं उनकी भी ये प्रैक्टिस में मैंने उनको करवाया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट चाहता है कि यदि मुझे ब्लीडिंग हुई है तो मेरी ब्लीडिंग को जल्दी रोको, ये डॉक्टर से वो उम्मीद करता। तो जो भी डॉक्टर भाई बहन मेरे से जुड़े हैं वो सब इसको जरूर अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं बात को शुरू करता हूँ। जो बादाम खुश्क खाना है, ड्राई फ्रूट खाना है, आते जाते काजू मेवे मुँह में डालना है, ये आदत बंद करनी पड़ेगी। चाय ज़्यादा पीते हैं तो अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई गर्म मसालों का सेवन ज़्यादा हो रहा है, सौंठ, गर्म मसाला और लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, ये सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा डाइट से, हींग हटानी पड़ेगी। उसके बाद फिर अजवाइन भी कम करनी पड़ेगी या ख़त्म करनी पड़ेगी। मसालों में लेना ही हो तो धनिया सूखा गीला कोई भी, जीरा और तेज पत्ता और दालचीनी, थोड़ा बहुत जो है ये सौंफ आदि, ये इतने मसाले ही चल पाएंगे, इससे ज़्यादा मसाले सब्जी में नहीं चल पाएंगे। फिर सेंधा नमक का उपयोग करें, नमक तो वैसे भी ठंडा ही होता है लेकिन गर्म जो तासीर की चीज़ें होती हैं जैसे आम, जैसे कि मेथी, बथुआ, तला हुआ खाना, बाजारी खाना, भारी खाना, ये बंद करें, इसे अवॉइड करें। और क्या लें, आप लें अनार, ठंडा होता है, आप लीची ना लें, आप अनानास ना लें, आप सादा सेब खाएं, नाशपाती खाएं, आप हो सके तो अमरूद खाएं, ऐसी चीज़ों का थोड़े दिन सेवन करें। और हल्का फल मिक्स करके भी लिए जा सकते हैं, बस उसमें खरबूजा ना मिलाएं, ये गर्म तासीर का होता है। पपीता भी गर्म है लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी चल जाएगा। ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। फिर क्या लें, गोंद कतीरा लें, गोंद कतीरा भिगो करके 2-3 टुकड़े रात को रख दें, सुबह फूल जाएगी, उसे शरबत में लें। सब्जा बीज ठंडे होते हैं, हालांकि सब्जा की पत्तियां गर्म होती हैं लेकिन सब्जा के बीज आधा चम्मच रात को भिगो दें गिलास पानी में, सुबह या दोपहर को जब बहुत गर्मी होती है उस वक्त किसी ठंडे शरबत में, शरबत कोई बिजूरी का, शरबत कोई संदल का जिसको चंदन का बोलते हैं, ये सब शरबतों में मिला के लिया जा सकता है, बहुत आराम मिलेगा। नींबू पानी का भी सेवन किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि आपको आम का पना नहीं पीना है, ठंडाई नहीं लेनी है। फिर गर्म चीज़ों में मैं आपको, जो ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी पीते हैं लोग या फिर ग्रीन टी पीते हैं, इसको बंद करना है। बस इतना कर लिया तो आपकी ब्लीडिंग कम होने शुरू हो जाएगी। पैरों में तलवियों में सरसों का तेल लगा के कांसे की कटोरी से रगड़ दिया उसकी बैक साइड से कटोरी की, पैरों की तलियों को, तो पैरों की इस तरफ से गर्मी बाहर निकल जाएगी, पित्त निकल जाएगा। वैसे भी आप कभी कभी हरड़ का चूर्ण, साधारण मुलेठी चबाना, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं, उससे भी गर्मी शरीर से बाहर निकलेगी, बॉडी डिटॉक्स होगी, इन्फेक्शन को भी लड़ने में जब टेम्परेचर नीचे आएगा बॉडी का, पित्त कम होगा, उकसाया नहीं जाएगा शरीर को, जितने मसालेदार चीज़ें खाते हैं उतना बाइल सेक्रीशन ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा गॉल ब्लैडर को ट्रिगर होता है ज़्यादा से ज़्यादा पित्त बनाने का, पाचक रस बनाने का, तो वही दिक्कत करेगा, गर्मी बढ़ाने में भूमिका निभाएगा, उसको कम रखें। थोड़ा चांद की रोशनी में बैठें, चांद की रोशनी का पानी पिएं, शीतली शीतकारी प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम मतलब दांतों को दबाया, दांतों से ही सांस अंदर खींच लिया और वो नाक से छोड़ दिया, इस तरह दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक बार जब बैठो तो 7-8 बार करें खूब अच्छे से, इससे गर्मी कम होगी शरीर की,
शीतकारी भी कर सकते हैं, जुबान को मोड़ करके। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रयोग है, प्राणायाम है, ये भी गर्मी को शांत करेगा। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हर जा 2 घंटे जिसने पानी नहीं पिया उसको ब्लीडिंग हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या खा लेना चाहिए। गाय का घी खा लें, थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आहार में मकई लें, आप जौ लें, गेहूं लें, चावल लें, ये सब ठंडे हैं। बस थोड़ा बाजरा, थोड़ी ये कंगनी या फिर ये गरम मल्टीग्रेन सिंघाड़े का आटा ये ना लें। चने का आटा लिया जा सकता है। और गरम चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा व्रत वाली चीज़ें जैसे होती हैं सील आदि का प्रयोग ना करें। हाँ, आप चाहें तो खीर खा सकते हैं, दूध की बनी हुई ठंडी, तो वो भी बड़ा काम करेगी। चंदन का चांदी का वर्क लगा के खा सकते हैं कोई भी ऐसी दूध की बनी हुई चीज़। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। भारी चीज़ें नहीं खानी है, भारी चीज़ों से फिर और ज़्यादा पचाने के लिए जोर लगेगा शरीर का, तो कई कई बार उससे भी गर्मी बढ़ जाती है। पानी पीना है तो घड़े का पीजिए, हो सके तो नॉर्मल कांच का पी लीजिए, लेकिन तांबे के बर्तन का पानी थोड़े दिन अवॉइड कर दें। ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे आप काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तेज धूप में नंगे सिर ना जाएं, तेज धूप में वैसे भी ना जाएं, और लाल मिर्च तो हटा ही दें अपने भोजन से। अब आप करेंगे कि मुझे डॉक्टर से परामर्श लेना है, तो मैं उसके पास जा करके कोई ऐसी औषध प्राप्त करूं कि जो बिल्कुल गुणकारी हो, तो उसमें मैं आपको घरेलू प्रयोग पहले बताऊंगा जो लोग खुद भी कर सकते हैं। घरेलू प्रयोग में क्या करना है, बांस का मुरब्बा लेना है। बांस का मुरब्बा ना मिले तो आंवले का मुरब्बा लेना है, कितना जितना आप खा पाओ, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, 70-80 ग्राम लिया जा सकता है। उस पर आप थोड़ा दो रत्ती से मेरा मतलब है 250 मिलीग्राम, 1 ग्राम का चौथा हिस्सा, इतनी मात्रा में ही आप उसमें मोती जो प्योर मोती होता है उसको घिस करके घोट करके बनाई जाती है आयुर्वेद की पद्धति से, ये मोती पिष्टी जो है डाल देनी है उसमें। पत्थरी वाले नहीं इसको ले सकते, बाकी सब ले सकते हैं। पत्थरी वाले सादा वो मुरब्बा खा लें, तो वो रोज मुरब्बा सुबह इस पे डाल के खाली पेट लिया जाए, इसी से काफी फर्क पड़ जाता है यूरिन इन्फेक्शन UTI में भी, और साथ साथ ये अगर हो कोई ब्लीडिंग हो तो उसमें भी। अगर दोनों मुरब्बे नहीं मिलते तो गुलकंद बड़ी अच्छी ऑप्शन है, उसमें भी ये मिला के लिया जा सकता है, तो ये सुबह के समय ली जा सकती है। रात को कैल्शियम वाली चीजें नहीं लेते। अब डॉक्टर भाई बहनों के लिए मैं बता दूं, जो वो अपनी प्रैक्टिस में ये औषधियां रख सकते हैं, आप इस तरह से अगर वो अनुपान जिस तरह से मैंने दिया उस ढंग से अगर देंगे तो 3 दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाती है बड़ी अच्छी तरह से। कैसे करना है ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो तो उनको ज़रूर गाइड करिए, साथ ही साथ अपना भी अनुभव ऐड करिए, वो ज़रूरी है, उसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। और मैं जो आयुर्वेद का प्रयोग बता रहा हूँ उसमें है रक्त स्तंभन गुटिका। ये रक्त स्तंभन गुटिका जब ब्लीडिंग हो रही है उसी कंडीशन में ऐड करें, बाकी यदि UTI की दवाई लगा रहे हैं तो उसमें ये पहली गोली ना डालें। ये भी 2 रत्ती की मात्रा में 250 मिलीग्राम देनी है। अगर कोई पेशेंट बहुत सीवियर ब्लीडिंग का है, एक आध दिन में अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, कम नहीं होने शुरू होती, तब जाके हम उसको 2 रत्ती दे सकते हैं, 4 रत्ती दे सकते हैं, यानी 500 मिलीग्राम 3 टाइम। तो ये पहली गोली हो गई रक्त स्तंभन गुटिका, एक गोली। फिर उसमें आप मिला दीजिए चंदन आदि वटी, चंदन आदि गुटिका एक गोली, फिर चंद्र कला रस ये भी एक गोली। तो ये तीनों को लेकर के साथ में 4 चम्मच चंदनासव और उशिरासव भी 4 चम्मच, ये बराबर पानी मिलाना है, यानी 4 और 4 8 और 8 चम्मच पानी, सबको मिक्स कर लिया, गोलियां तीनों मुंह में रखवाई, ऊपर से ये आसव पिला दिए। इतना 3 टाइम भोजन के 30 मिनट बाद कराना है। बहुत ज़्यादा समस्या यदि है तो भोजन से पहले ठंडे पानी में बनफसा शरबत पिलाया जा सकता है भोजन से पहले, उससे शांति मिलेगी। संदल का शरबत भी पिलाया जा सकता है, उससे शांति मिलेगी। तो ये सारा प्रयोग आप देखेंगे कि थोड़े दिन में ही ब्लीडिंग दोबारा भी नहीं होगी, इन्फेक्शन ही दूर हो जाएगी। और खाने के लिए जो मैंने पत्थे बताए इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। कई बार लोग राजमा माँ ऐसी गर्म चीज़ें खा लेते हैं, वो ना दे करके उनको पालक दीजिए, सफ़ेद चना ना दे करके काला चना दीजिए, बेसन कभी कभी खाया जा सकता है हालांकि, और भारी भोजन ना दे करके हल्का भोजन सत्तू पिलाएं,
और हर टाइम में नहीं, बस बदल बदल के डेली कुछ ना कुछ एक दो आइटम अपने दिन की ले ली। ये भी नहीं है कि खाए जा रहे हैं सारा कुछ और बाद में जुकाम लग गया है, शरीर जम गया है, जोड़ों में दर्द हो गया है। बैलेंस बना के आपने रखना है, एक दिन में जितनी खुराक लेने की गुंजाइश है शरीर में उसी हिसाब से चीज़ें लगा के प्रॉपरली, एक सुबह की डोज, दोपहर रात की डोज, खाली पेट की डोज, वो सब बना के आप जब पेशेंट पे काम करेंगे आप देखेंगे कि पेशेंट खुश हो जाएगा, कहेगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, मुझे बचा लिया। यही समझ दवाइयाँ खासकर जब महिलाओं की महावारी की अति ब्लीडिंग हो जाए तब भी काम आ जाती है, सेम टू सेम। यही ब्लीडिंग जब कभी नाक से नसीर बार बार आती है तब काम आ जाती है। यही इंटरनल या फाइल्स की ब्लीडिंग रोकने में साथ में अर्शोघनी लगा के काम आ जाती है, या फिर उस पे नीचे से उशीरा सब हटा के अभ्यारिश लगा के साथ में इस तरह मिक्स बना के किया जा सकता है। बड़ा कारगर, बड़ा आयुर्वेद में दम है। जो लोग एलोपैथ की प्रैक्टिस को कई बार सोचते नहीं एलोपैथ ही एक्यूट मैनेजमेंट कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। आप एक दो बार हाथ से आपके पेशेंट निकलेंगे, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, आपको पता चलेगा आपके पेशेंट्स का रिजल्ट जब आएगा, आपकी दायरा खुलेगा, आपके आगे एक नई दुनिया, एक नया आसमान होगा। आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मेरे साथ बने रही है नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम आयुर्वेद, ये मेरे ही दोनों चैनल हैं। और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए, क्या मेरा कहाँ पर आप अपना मेरा सुजेशन या राय अपने ऐड करना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर काम करूँगा और आपको बताऊँगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।